राम झरोखा से दिखेगा मंदिर का निर्माण, श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। रामलला के दर्शन मार्ग पर भक्तों के लिए खोला गया है झरोखा। राम झरोखे के अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और कई काम। पीत रंग में रंगेगी अयोध्या, राम रस से होगी आलोकित राम नगरी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दर्शन अब राम झरोखे से भी हो सकेगा। श्रद्धालु झरोखे से राम मंदिर का निर्माण होते अपनी आंखों से देख सकेंगे। राम मंदिर परिसर की पश्चिमी दीवार पर 20 फुट की चौड़ाई में राम भक्तों के लिए राम झरोखा खोला गया है। इस बीच मंदिर की नींव का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। सितंबर माह के अंत तक पूरी तरह से नींव भर लेने की तैयारी है। पहली बार अस्थाई मंदिर में सावन के महीने में रामलला झूलोत्सव का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के विकास के लिए कई अन्य कार्य भी हो रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं पिछले एक सप्ताह में क्या कुछ हुआ राम नगरी में। अस्थाई मंदिर में रामलला के लिए झूला। कोरोना महामारी की वजह से लगातार दूसरे साल सावन के महीने में राम नगरी सूनी पड़ी है। सावन झूला मेला का आयोजन रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं से राम नगरी खाली करा ली गई है। सामूहिक सरयू स्नान पर भी पाबंदी है। सावन के महीने में निभाई जाने वाली ऐतिहासिक झूलोत्सव परंपरा इस साल भी मंदिरों के अंदर ही निभाई जा रही है। रामलला परिसर में भगवान रामलाल को भी झूलोत्सव का आनंद कराया जा रहा है। हर साल अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के विग्रह मणि पर्वत जाते थे। मणि पर्वत पर भगवान के विग्रह को झूला झुलाया जाता है। इस साल मंदिरों के विग्रह मणि पर्वत नहीं ले जाए गए, मंदिरों में ही झूले पड़े हैं। भक्त और भगवान वहीं झूलोत्सव मना रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए बैंक खाते में रोज आ रहा 15 लाख। भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में उत्साह बरकरार है। न सिर्फ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि में भी इजाफा हो रहा है। ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्त कहते हैं कि ये सब राम भक्तों में उत्साह का प्रतिफल है। उनका कहना है कि निधि समर्पण अभियान के अतिरिक्त बैंकों के खाते में रोज औसतन 15 लाख रुपए आ रहे हैं। ये रकम भक्तजन ई बैंकिंग के जरिए ट्रस्ट के खातों में भेज रहे हैं। ट्रस्ट कार्यालय के अलावा रामलला का चढ़ावा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऑफिस में औसतन चेक और कैश को मिलाकर रोज 2 लाख रुपए तक आ जाते हैं। इसी तरह दान पात्र में भी औसतन 1 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आ रहा है। 2 साल में बदल जाएगा अयोध्या का स्वरूप। राम मंदिर निर्माण की नींव का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद गर्भगृह के निर्माण का काम तेज होगा। मंदिर के कार्य के अलावा अयोध्या को आध्यात्मिक और आधुनिक नगरी बनाने की परियोजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है। धार्मिक नगरी का स्वरूप देने के लिए जहां अयोध्या के भवनों को एक रंग में रंगने की योजना है, वहीं अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी और रोड ट्रांसपोर्ट को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के कम से कम 2 साल लगेंगे। इसी तरह अयोध्या को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुई हैं, उन्हें पूरा होने में कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। पीत वर्ण में सजेगी अवधपुरी, एक रंग में होंगे भवन। राम नगरी को आस्था और सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र और वैदिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। आने वाले दिनों में अवधपुरी रामरज की चमक से आलोकित होगी। इसे भगवान विष्णु को प्रिय पीत वर्ण की क्रां से शोभायमान किया जाएगा। अयोध्या नगर के भवनों को एक रूपता प्रदान की जाएगी।
माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पीत वर्ण की मिट्टी को इसीलिए रामरज भी कहा जाता है। अब इस रंग का उपयोग विष्णु के अवतार भगवान राम की नगरी को नवरंग देने के लिए किया जाएगा। सभी भवन पीले रंग में रंगे नजर आएंगे। इसी के साथ राम मंदिर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा है। राम नगरी को एयर सर्किट से जुड़ने के लिए अभी इंतजार। राम नगरी को एयर सर्किट से जुड़ने के लिए कम से कम एक वर्ष इंतजार करना होगा। वायुयान उड़ने और उतरने के लिए रनवे, बिल्डिंग और एयर ट्रैफिक टावर आदि का निर्माण होना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार रनवे, बिल्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आदि निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है। ATR 72 वायुयान उड़ाने के लिए 2200 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होगी। राजकीय हवाई पट्टी का रनवे 1500 मीटर लंबा है। 2200 मीटर लंबा करने के लिए 700 मीटर का रनवे बनाया जाएगा। ATR 72 उड़ाने से पहले पुराने रनवे की भी मरम्मत करानी होगी। श्रीराम एयरपोर्ट के नाम से राजकीय हवाई पट्टी का नामकरण हो चुका है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे से एयरपोर्ट के लिए एंट्री और निकास मार्ग जल प्रशासन विभाग पहले से ही तय कर चुका है। NH 227B के नाम से जाना जाएगा 84 कोसी परिक्रमा पथ। 4 लेन का 84 कोसी परिक्रमा पथ NH 227B के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए 45 मीटर चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण होगा। मार्ग के दोनों ओर इंटरलॉकिंग, एक तरफ परिक्रमार्थियों के लिए पैदल पथ और दूसरी दिशा में सर्विस रोड बनेगी। परिक्रमा पथ के दोनों ओर रामायणकालीन वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 84 कोसी परिक्रमार्थियों के लिए सड़क किनारे विश्राम स्थलों का निर्माण भी कराया जाएगा। इस मार्ग के किनारे और आसपास 151 धार्मिक पौराणिक स्थल और ऋषि मुनियों की तपोस्थलियाँ रही हैं। परिक्रमा पथ में रामनगरी के साथ ही गोंडा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी जिले की सीमा का कुछ हिस्सा आता है। साधु संत व श्रद्धालुगढ़ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा से 84 कोसी परिक्रमा करते हैं। अब तक भरी जा चुकी 60% नींव। अब तक मंदिर की नींव के निर्माण का 60% कार्य पूरा हो गया है। कुल 12 मीटर गहरी नींव में से 7 मीटर में चट्टान ढाली जा चुकी है। 15 सितंबर तक हर हाल में नींव भर ली जाएगी। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विदेश से दान लेने की अनुमति देने के लिए दूसरा ऑडिट दायर कर दिया है। जल्द ही विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA की मंजूरी मिल जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विदेशों से प्राप्त धन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली बनाने की पद्धति पर काम कर रही है। राम मंदिर के साथ अन्य गतिविधियां भी साथ साथ चल रही हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं मंदिर की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।